नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं, आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं, जहां पहली दस्तक एक सवाल के साथ है जो भारतीय जनता पार्टी की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने उठाया है। ये कहते हुए कि जब से बीजेपी का राज आया है तब से देश में हिंदुओं की स्थिति बेहतर हुई है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने यह सवाल उठाया कि अगर देश में वक्फ बोर्ड हो सकते हैं तो फिर सनातन बोर्ड का गठन क्यों नहीं हो सकता। भारत में सनातन से जुड़े करीब 10 लाख मंदिर मठ तीर्थ हैं, जिनमें से करीब 4 लाख से अधिक मंदिरों मठों की कमाई पर सरकार का कब्जा है, लेकिन चर्च और मस्जिद इस तरह के नियंत्रण से बाहर है। धर्म निरपेक्ष देश में जब संविधान किसी भी तरह के धार्मिक भेदभाव की मनाही करता है तब पूजा स्थलों के प्रबंधन को लेकर इस तरह का भेदभाव क्यों होना चाहिए। मस्जिद, दरगाह और चर्च पर जब सरकारी नियंत्रण नहीं है तो मठों और मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण क्यों। ये सवाल और मामला काफी पुराना है, लेकिन इसे लेकर नए सियासी विवाद की दस्तक भोपाल की सांसद ने दी है, जिनकी मांग है कि वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड बनाया जाए। एक विडम्बना है कि हमारे सनातनी देवी देवताओं के मंदिर ये सब ट्रस्ट को बन गए हैं तो वो सरकार के हाथ में चले जाते हैं, इससे मुक्त होना चाहिए। और हिंदू का धन यानी श्रद्धा का दान जो मठ और मंदिरों में लगता है वह हिंदुओं के विकास, हिंदुओं के बच्चों के पढ़ाई लिखाई में, उनके रोग निदान में, मंदिरों के भव्य निर्माण में और हमारे सनातन के विकास में लगना चाहिए। यही हमारी प्रक्रिया है और इसलिए यदि सनातन बोर्ड की आवश्यकता पड़ी तो वो बनना ही चाहिए। हिंदू धर्म दान एक्ट 1951 के तहत भारत में मौजूद बड़े बड़े मंदिरों का प्रबंधन सरकार अपने हाथों में लेती है। इन मंदिरों के प्रबंधन के लिए सरकार की तरफ से एक IAS अधिकारी को नियुक्त किया जाता है, फिर यही अधिकारी उस मंदिर को अपने अपने ढंग से चलाता है। इस कानून की वजह से बहुत से राज्यों ने हजारों मंदिरों को अपने अधिकारों में ले लिया, लेकिन विष्णु जैन जैसे वरिष्ठ वकील दावा करते हैं कि इस व्यवस्था से मंदिरों की बेकदरी हो रही है। कर्नाटका का एक ऐसा मंदिर आपको बताना चाहता हूं जिसे हम लोग हनुमान जन्मभूमि मानते हैं। जब मंदिर में चंदा ज्यादा आने लग गया, 20 लाख 25 लाख पर मंथ चंदा आने लग गया, तो उसको गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया और अगेंस्ट दी एक्ट उसको टेक ओवर किया। और आज वहां पे हालत यह है कि वहां के जो पुजारी हैं, जो 100 साल से उस मंदिर की उनकी जो पुजारीशिप थी चली आ रही थी उनके पुरखों की, उसको आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। आज भगवान का भोग प्रसाद आरती भी सही से नहीं लग पा रहा है। इसी आधार पर सनातन बोर्ड को बनाने की मांग की जा रही है, ताकि मंदिरों, मठों और तीर्थ क्षेत्रों से सरकारी नियंत्रण हटाया जा सके। जब वक्फ बोर्ड बना ना, हमारे मंदिर जो है ना स्वतंत्र होना चाहिए, उनके अपने एक नियम कानून होना चाहिए कि पुजारी पूजा करेगा पर उसके ऊपर किसी प्रकार का ऐसा प्रतिबंध नहीं है कि गवर्नमेंट का प्रतिबंध है। कभी कोई गवर्नमेंट, कभी कोई विरोधी गवर्नमेंट आ गई तो उसने अपना विरोध करना प्रारंभ कर दिया। हिंदुस्तान में लाखों मंदिर है और हजारों मंदिरों के पास बेहिसाब संपत्ति और कमाई है, जहां हर साल लाखों करोड़ों भक्त आकर चढ़ावा चढ़ाते हैं। इस फेरिस में तिरुपति बालाजी मंदिर सबसे ऊपर है, जिसकी संपत्ति 2.5 लाख करोड़ बताई जाती है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर की संपत्ति करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए बताई जाती है। वैष्णो देवी मंदिर की सालाना कमाई 500 करोड़ रुपए तो काशी विश्वनाथ मंदिर की संपत्ति 120 करोड़ रुपए है। लेकिन साध्वी प्रज्ञा जैसे लोगों को इस बात पर एतराज है कि मंदिरों में भक्तों के चढ़ावे के दिए गए धन को सरकार क्यों कंट्रोल करती है, जबकि दूसरे धर्मों के साथ ऐसा नहीं है। सनातन बोर्ड बनाने की एक और बड़ी वजह सरकारी व्यवस्था की वजह से मंदिरों की हजारों एकड़ जमीन पर होने वाला अतिक्रमण है, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। साल 1986 से 2005 के बीच तमिलनाडु में मंदिरों की हजारों एकड़ जमीन उनसे छिन गई। बड़ी बात यह है कि आजादी के बाद चुनाव से पहले ही मंदिरों मठों पर सरकारी कब्जे के लिए कानून बना दिया गया। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम धर्म से जुड़ी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए 1954 में ही वक्फ बोर्ड बना दिया गया, जिसका नतीजा हुआ कि उसके पास देश में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जमीन है। सेना के पास 18 लाख एकड़ जमीन है, रेलवे के पास 12 लाख एकड़ जमीन है, तो वक्फ बोर्ड के पास करीब 8.5 लाख एकड़ से ज्यादा की जमीन हो चुकी है, जबकि 2009 तक वक्फ के पास सिर्फ 4 लाख एकड़ जमीन थी। वक्फ अरबी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है वो संपत्ति जो अल्लाह के नाम पर दान दी गई हो। भारत में वक्फ बोर्ड की शुरुआत देश के बंटवारे के बाद मानी जाती है, जब देश से हजारों लोग पाकिस्तान जाकर बस गए।
इस दौरान अधिकतर लोग अपनी अचल संपत्ति देश में छोड़कर चले गए, जिसमें घर और जमीन प्रमुख थी। सरकार ने इन जमीनों संपत्तियों के नियमन के लिए वक्फ बोर्ड का गठन किया। वक्फ से संबंधित सभी तरह के कामों की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड को दी गई। इसीलिए इस पर निशाना साधे जाने से वारिस पठान जैसे नेता सहमत नहीं है। जब से भाजपा की सरकार सत्ता में आई है ना, एक तरह से इन्होंने माइनॉरिटी के खिलाफ एक जंग छेड़ दी है, मुसलमानों के खिलाफ एक जंग छेड़ दी है, और पूरी तरह से देश के अंदर नफरत की राजनीति लोगों ने फैला दी है। पूरी तरह से नफरत ये लोग फैला रहे हैं। इनको सबसे ज्यादा नफरत हो गई हमसे, इनको नफरत है हमारे मदरसों से, इनको दिक्कत है हमारे हिजाब पहनने से, अब इनको दिक्कत आ गई हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर से। लेकिन वक्फ बोर्ड को मिलने वाले असीमित अधिकार अक्सर हिंदू संगठनों के निशाने पर होते हैं। आपको बता दें कि हर राज्य के पास अपना वक्फ बोर्ड है, इसके चेयरमैन होते हैं, इसमें एक या दो राज्य सरकार के नॉमिनी होते हैं जो मुस्लिम विधायक या सांसद हो सकते हैं, या फिर कोई मुस्लिम स्कॉलर स्टेट बार काउंसिल के सदस्य हो सकते हैं। वक्फ बोर्ड के पास ये अधिकार है कि वो अपनी संपत्ति का अपने हिसाब से इस्तेमाल करे, वक्फ की हड़पी या खो चुकी संपत्ति को फिर से हासिल कर सके। वक्फ अपनी संपत्ति को बेच सकता है, उसे लीज पर दे सकता है, किसी को गिफ्ट कर सकता है, लेकिन इसके लिए बोर्ड के 2/3 सदस्यों की मंजूरी जरूरी है। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसे अपने वक्फ बोर्ड अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए उसको आप करने के लिए कोई एक्ट बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, पर जहां पे वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दिए गए वहां पे मेरा मुद्दा है। सेक्शन 40 सब क्लॉज 3 वक्फ एक्ट पढ़े जरा। सेक्शन 40 सब क्लॉज 3 क्या कहता है कि वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को, चाहे वो सोसाइटी की हो, ट्रस्ट की हो, उसको वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है। बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी हिंदू मंदिरों पर सरकारी कब्जे को कई बार अनुचित बता चुका है। कोर्ट ने साफ कहा कि मंदिरों का संचालन और व्यवस्था भक्तों का काम है, सरकार का नहीं। उसने तमिलनाडु के नटराज मंदिर को सरकारी कब्जे से मुक्त कराने का आदेश साल 2014 में दिया था। इसके अलावा पुरी के जगन्नाथ मंदिर मामले में जस्टिस बोबड़े ने कहा था कि मैं नहीं समझ पाता कि सरकारी अफसरों को क्यों मंदिर का संचालन करना चाहिए। दिल्ली में कितने ही पार्क है जहाँ पर मस्जिद बनाते हुए, मजार बनाते हुए भगाए गए लोग, आज उनको मजार बना देंगे, इसके बाद कहेंगे ये जमीन वक्फी आ गई। लेकिन विपक्ष का सवाल इस मांग की टाइमिंग को लेकर है। उसकी दलील है कि अगर मंदिरों के साथ वाकई में भेदभाव हो रहा है तो सरकार सनातन बोर्ड बनाने की पहल क्यों नहीं करती। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि करोड़ों मंदिरों वाले इस देश में क्या सभी मंदिर एक सनातन बोर्ड के अंदर आने को तैयार होंगे। आज तक ब्यूरो।